नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। 12 दिन पहले केरल के वायनाड में कुदरत ने ऐसी जमीन खिसकाई कि सैकड़ों जिंदगियां दफन हो गईं और हजारों जिंदगियां तबाह। शनिवार 10 अगस्त को पीएम मोदी ने भी वायनाड के उस खौफनाक मंजर के तबाही के निशान देखे। पीएम मोदी ने वायनाड का हवाई सर्वेक्षण किया, सबसे ज्यादा तबाही के इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान केरल के सीएम भी उनके साथ रहे और पीएम को वायनाड हादसे से जुड़ी सारी अपडेट दी। इसके बाद पीएम मोदी ने जमीन पर उतरकर भी वायनाड के कुछ इलाकों का जायजा लिया और इस दौरान पीएम ने अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर फीडबैक लिया। बता दें कि 30 जुलाई को वायनाड में आए एक के बाद एक 3 लैंडस्लाइड में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तब से अब तक कुदरत के कहर से बर्बाद हुए वायनाड को पटरी पर लाने की तैयारी भी जोरों पर है। तबाही के 12 दिन बाद पीएम मोदी के इस वायनाड दौरे से बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। वायनाड दौरे के लिए राहुल गांधी ने पीएम मोदी का आभार जताया और इस हादसे को लेकर बड़ी डिमांड की। राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मोदी जी व्यक्तिगत रूप से भयानक त्रासदी का जायजा लेने के लिए वायनाड जाने के लिए धन्यवाद। ये एक अच्छा फैसला है। मुझे विश्वास है कि जब प्रधानमंत्री खुद जाकर तबाही की इंतहा को देख लेंगे तो वो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। बता दें कि राहुल गांधी 2 अगस्त को ही वायनाड के दौरे पर थे और 2 दिन वायनाड में रहकर लोगों से मिलकर उनका दुख बांटा था और आज हादसे के 12 दिन बाद पीएम मोदी ने हवाई दौरा किया है। ऐसे में वायनाड त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की राहुल गांधी की ये डिमांड पूरी होगी या नहीं, ये तो मोदी सरकार पर ही निर्भर होगा। हालांकि इसे लेकर सियासत छिड़ गई है, जहां एक तरफ विपक्ष इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल से ही प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। यही नहीं, कांग्रेस ने मोदी के वायनाड दौरे को लेकर भी मणिपुर का भी दाव खेल दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, वायनाड तो पीएम चले गए लेकिन अगर मणिपुर भी जाएं तो अच्छा होगा। यानी वायनाड के दौरे पर कांग्रेस ने खुशी तो जताई लेकिन साथ ही साथ राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग और मणिपुर का जिक्र कर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश भी की गई। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।